إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عديد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أتبعته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم هلكنا قبلهم من قرن ومشت منهم مغشى ونقروا في البلاد هل من مليس قال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت سر میں ہوا طاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا جب سر میں ہوا طاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا جب سر سر عرسیاں چلنے لگی تو پیڑوں نے پھلنا چھوڑ اللہ کے بندوں نے لیکن
उस राह पे चलना छोड़ दिया। बदली वो हवा गुजरी वो समा, वो राह नहीं वो लोग नहीं। बदली वो हवा गुजरी वो समा, वो राह नहीं वो लोग नहीं। तफरीह वसे रब कौन कहे, घर से भी निकलना छोड़ दिया। हाजरी ने जुमा बाशिंदगा ने कठुआ उपनगाई व दीगर मकाम के हाजरीन और नमाजियों, सबसे पहले उस अल्लाह की तारीफ तोसी हम दो सना पढ़ाई बुढ़ियाई जिसने अपने आसमान के नीचे और ज़मीन के पुष्प पर बहुत सी मखलूकात को बसाया और एक ही मकाम पर नहीं बहुत से मकामात पर दुनिया के कोशे और गोशे और चप्पे चप्पे में सबको जीता जागता और हंसता खेलता रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये कुदरत कामिला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को कहाँ कहाँ बसा कर और अपनी इबादत में लगा रखा है और किस गोशे और किस कोने में अल्लाह की मस्जिदें हैं और कहाँ कहाँ लोग अल्लाह को याद कर रहे हैं। कि अल्लाह की कुदरत नहीं तो और क्या है, उसी अल्लाह की सबसे पहले हम तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार वालिद दुरूद व सलात, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए एक हादी रहनुमा और पैगंबर की हैसियत से दुनिया में मबूस फरमाया और हमें रुश्द व हिदायत की जानिब तवज्जो दिलाई और हर तरह से हमारे लिए रोशनी बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। भाइयों, कुरान करीम की एक आयत करीमा बाद में मौजूद के तौर पर खुतबे वसूना के बाद हमने तिलावत की है, जिसके सुनने का शर्फ आपने हासिल किया और साथ ही साथ प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस भी आपने समाप्त करनी है। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है वो इंसान की ज़ुबान और बोलचाल से ताल्लुक रखती है। हमें और आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर बहुत से अंग बनाए, मगर कुछ अंग ऐसे हैं जो निहायत ही गौर व फिक्र करने के अंग हैं। मिसाल के तौर पर कान, आँख और दिल, ये तीनों बहुत अहम हैं। और ज़ुबान, कान, आँख, दिल और ज़ुबान, ये चारों अंग बहुत ही अहम। अगर ये चारों आपके जिस डेढ़ क्विंटल गोश्त से निकाल लिए जाएं, आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। डेढ़ क्विंटल दो क्विंटल का वजन अगर ये आपका है, लेकिन यही कान और ज़ुबान और दिल और आँख निकाल ली जाए, आप न सुन सकेंगे, न देख सकेंगे, न समझ सकेंगे और न बोल सकेंगे। और जब ये चारों चीज़ें गायब हो जाएंगी, आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि इन चारों चीज़ों को देख करके अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इसी लायक बनाया। अल्लाह ने फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीम। इंसान जब भी कोई बात बोलता है तो बोलने से पहले ही पहरेदार फरिश्ते नोट करने वाले मौजूद होते हैं। आप बोलने से पहले ही आपके पास वो फरिश्ते लगे रहते हैं और आपकी ज़ुबान से निकली हुई बात को रिकॉर्ड करते रहते हैं और नोट करते रहते हैं। भला बताइए कि ज़ुबान कितनी अहम है, जिसकी ज़ुबान को नोट करने के लिए अल्लाह ने अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। लेकिन और साथ ही साथ ये दिल जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने जिसको हार्ट कहते हैं, हार्ट अटैक हो गया, यही दिल फेल हो जाए
तो दुनिया छूट जाए, सांस ही रुक जाती है। इस दिल के डैमेज होने के बाद आप इस लायक नहीं रहते कि आप दुनिया में जिंदा रह सकें। यही दिल जब मुतासिर होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन फिल जस्द मुद्गा इदा सलहत सलहत जस्द कुल्लु व इदा फसदत फसदत जस्द कुल्लु अला वहियल कल्ब। आपने फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर इन फिल जस्द मुद्गा, इंसान के जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, जब वो सही रहता है तो पूरा जिस्म और बॉडी मुकम्मल तौर पर सही रहता है, और जब ये खराब हो जाता है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। वो दिल है। जुबान से बोलने के लिए आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुबारक जमात बख्शी, तो दिल समझने के लिए बनाया। यही जब खराब हो जाए तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। और इसी तरह कुरान में फरमाया कान के बारे में, इन समा आँख के बारे में, कान के बारे में और दिल के बारे में इकट्ठा जिक्र किया अल्लाह ने, इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला। ये कान आँख और दिल सबके बारे में अल्लाह पूछेगा कि कान कहाँ लगाया था, कान से सुना क्या था, दीवारों के पीछे छुप छुप कर जो इधर उधर की बातें सुनते हो, और आंखों से नाजायज हराम चीज़ें देखते हो, और दिल से हराम चीज़ें समझते हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए जायज़ और रवा नहीं है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक माले सलक बिहिल इन समावल बसरावल कुआ, जिसके बारे में आपको इल्म ना हो उसके पीछे ना पढ़ो, सिलसिले में आपको कोई मतलब ना हो आप उसके पीछे पढ़ करके अपनी सेहत खराब ना करो। ये भला ने किसे क्या कहा, भला क्या कह रहा था, सबसे बड़ी बीमारी इंसान के अंदर यह है कोई किसी से बात कर रहा हो और उससे जब फौरन पूछने लगोगे आपसे क्या कह रहा था, और वो जब चला जाए उसके पीछे लग जाओ वो आपसे क्या कह रहा था, कभी वो अगर कह रहा था अगर आपसे आपको बताना होता तो अलग होकर के क्यों बात करते। इसके थ्रू हमें पढ़ना, और इसी तरह से कोई अपने घर में बात कर रहा है किसी के झगड़े से कान लगाना, और इसी तरह से किसी के झगड़े से देखना कि कौन बैठा हुआ है, किसी के घर में झांकना, आँख फोड़ने का हुक्म है शरीयत में, तो अगर किसी घर में कोई झांक रहा है और किसी की बात कोई सुन रहा है, मेरे भाइयों इसलिए इस कान और आँख और दिल के बारे में आपसे सवाल किया जाए। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता है। अल्लाह ने फरमाया मा गर्रक बिरब्बिकल करीम या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तेरे पालनहार से इस चीज़ ने तुझको धोखे में डाल दिया है, धोखा क्यों खा रहे हो। कौन पालनहार, अल्लज़ी खलकका फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिम मा शा रक्कबक, जिस पालनहार ने जिस रब ने जिस अल्लाह ने तुमको पैदा फरमाया, फसव्वाका फअदलक पैदा फरमाया और बहुत सीधा पैदा फरमाया और ठीक ठाक बनाया। इस तरह की बनावट किसी के बस में नहीं कि बना दे, कि जिसको बना दे वो देखने भी लगे, उसको बना दे सुनने भी लगे, बोलने भी लगे और उसकी बात समझ में भी आए। मेरे भाइयों कोई दुनिया में आया ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं जो इस तरह से बना दे जैसे आप बन चुके हो। वो भी अनुभव से बोलो, अपना खुद से बोलो, अपने जिस्मों और बाडियों में देख करके देख समझो कि किस तरह से अल्लाह ने तुम्हें बनाया है। और फिर अनफस को अपना खुद से बोलो, क्या अपने आप को देख कर इबादत नहीं हासिल करते, अपने आप को देखो, आईना उठाओ और देखो ये अल्लाह ने बनाया है और समझो। लेकिन मुसीबत तो यह है कि मुँह देख लिया आईने में और दाग न देखा सीने में, मुँह देख लिया आईने में और दाग न देखा सीने में, जो काम मुसलमानों का था वो काम मुसलमान भूल गए। सिर्फ अपनी आँखों को आईने के सामने करके देख लेते हैं लेकिन दिल से कुछ गौर फिक्र नहीं करते इस आँख का काम क्या है, और ये अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती दी है इसका क्या काम क्या है। अगर नहीं लिए काम सबसे, दिल से काम नहीं लिया,
जुबान से काम सही नहीं लिया, आँख से सही काम नहीं लिया, तो अल्लाह आपकी वार्निंग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वार्निंग दी है कुरान करीम में, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ। यदि जिनों और इंसानों ने, अल्लाह ने जिनों को भी कहा, जिन जिन जो कहते हो कि पला को लग गया, जिनों को भी अल्लाह ने पैदा किया है, जिन भी तकरीर सुनते हैं, जिन भी नमाज पढ़ते हैं आपके साथ, जिन भी हाजिर रहते हैं, अगर क्या आप देख नहीं पाते हो या उलमा पढ़े लिखे जानते हैं अच्छी तरह से इसको, सिर्फ आप यहाँ नहीं हो, अल्लाह ने जिनों को भी यहाँ हाजिर कर रखा है और जिन भी ये बातें सुनते हैं, खुदे सुनते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वो जिन भी सुनते हैं, इसलिए उनके लिए कोई दूसरा नबी नहीं है। यही वारिसे अंबिया, यही उलमा जो मिंबरों पर खड़े होकर के तकरीर करते हैं, खुतबा देते हैं, यही वास जिन भी सुनते हैं। ये याद रखिए आप लोग, सिर्फ यहाँ इंसान नहीं जिन भी हैं, अगर से हम नहीं देखते, मेरा पूरा यकीन है कि जिनों की तादाद मौजूद इंसानों की तरफ, और वो सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको भी पैदा किया है, और वो भी अगर गलत बात सुनते हैं और दिल से काम नहीं लेते, आंखों से सही काम नहीं लेते, उनको लाने जहन्नम के लिए पता है कह दिया। वलकद ज़रअना लिजहन्नम कतीरन मिनल जिन्न वल इंस, बहुत से जिनों और इंसानों को हमने जहन्नम के लिए पैदा किया, बहुत से जिनों और इंसानों को लिए को हमने जहन्नम के लिए पैदा किया। और कौन कैसे हैं वो कैसे हैं मेरे भाई और जिनों की तादाद खास तौर से ऐसी जगहों पर जहाँ आबादियाँ कम होती हैं, जंगलों बयाबान और मैदान में ज़्यादा होते हैं, यहाँ तो और ज़्यादा पाए जाते हैं, आपसे कई गुना उनकी तादाद होगी जिनको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है कि हमने बहुत से जिनों और इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। लहुम कुलूब, उनके पास दिल है, लाहना मिला समझते ही नहीं, दिल से सही काम लेते ही नहीं कि अच्छी बातें क्या हैं, अच्छी चीज़ें क्या हैं, सुलहो आस्तिक की बातें क्या हैं, इत्मीनान बख्श पैगाम क्या हैं, उस ध्यान नहीं देते, कैसे दुनिया में रहना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, इस्लामी अहकाम क्या हैं और किस वक्त हमको खाना चाहिए, किस वक्त हमको पीना चाहिए और किस वक्त इबादत करनी चाहिए और किस वक्त हमको सोना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आता उनके। जागने के वक्त सोते हैं, सोते के वक्त सोने के वक्त जागते हैं, और इबादत करने के वक्त शरारत करते हैं, शरारत करने के वक्त इबादत करते हैं, ऐसे मामला उनको उनका रहता है। लहुम कान तो है लेकिन सुनते ही नहीं, सुन के सुनते हैं, सुन रहे हो ना, समय ना वाहता ना, अगर कहा तब तो ठीक है और कहा समय ना वासे ही ना, गलत हो गया कि हमने सुन लिया और हमने ना फरमानी की, ये कान में आवाज़ जा रही है, सुन तो रहे हो लेकिन सुनने के बाद इस पर अमल कुछ नहीं अगर की, कोई अभी आपने सुना ही नहीं। मेरे भाइयों, वक्तों के बारे में शिकायत होती है कि बड़े संजीदा हैं, शराबी नहीं हैं, जुआ खेलने वाले नहीं हैं, ये ताश नहीं खेलते हैं, ये दीगर मकामात पर लहोलुहान से काम नहीं लेते हैं, खेल और तमाशा नहीं करते हैं, किसी को सताते मारते जुर्म जाति नहीं करते हैं, मगर नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, और इसी तरह से मस्जिद मदरसा के जिम्मेदार भी हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं, अल्लाह ताला ने इनको बहुत संजीदगी अता की है लेकिन नमाज नहीं। मेरे भाइयों, वह कि आपने काम सही इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आपके अंदर एक खराबी आ रही है, काश भी सुन लेते, किसी वाइज और तकीब की बात अगर आप सुन लेते, कान से सुनकर अमल कर लेते, ये शिकायत नहीं आती। नमाज नमाज पढ़ने की कोशिश करो, अल्लाह की इबादत करने की कोशिश करो, वलहुम आयुनुल लाय जरूर मिला, और उनके पास आँखें हैं देखते ही नहीं, आप आँख से देख तो रहे हो, देख तो रहे हो लेकिन क्या देख रहे हो आपको खुद पता नहीं कि मैं क्या देख रहा हूँ, देखते तो हो लेकिन क्या देख रहे हो, कुरान करीम की आयतों को देखा,
किसी को झगड़ा करते हुए देखकर आपने सही फैसला किया, आपने अपनी आंखों से देखकर किसी घूमते हुए को निकाला, आपने अपनी आंखों से देखकर किसी एक्सीडेंटल केस को देखकर आपने उसको संभाला, आपने अपनी आंखों से किसी जलने कटने मरने वाले को देखकर आप उसके काम आए। ये आंख आंख से देखने का मतलब ये है, ये समझ लो इबादत वही है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। आज तक कोई नहीं कह सकता कि रोज़ा नमाज हज ज़कात ये इबादत है, नहीं, अल्लाह जिससे राजी हो जाए वो इबादत है और रसूल के मुताबिक हो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह की कसम आपके अमाल बहुत कम है लेकिन इंसानियत आपके अंदर है, डूबने मरने कटने और जुल्म जिस पर ढाया जाता है अगर आप सारा काम कर रहे हैं, इंसानियत आपके अंदर मुकम्मल पाई जा रही है, वह कि आप कान से काम ले रहे हैं, आँख से काम ले रहे हैं और आप अपने दिल को सही इस्तेमाल कर रहे हैं। सही दिल को जब सही इस्तेमाल आपने किया, आँख से देखा कान से सुना, तो समझ लीजिए आप सारे आधार का इस्तेमाल सही से कर रहे हैं, उस बात से सही बोल रहे हैं। अल्लाह तआला ने फरमाया उदाहरण से कल नाम, जो सही काम नहीं लेते वो जानवरों की तरह है, वो जानवरों की तरह है जो सही काम नहीं लेते, बोला है कि कलानाम बल्कि अदल बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह जानवर। आप अभी तक आप बैल रखते थे वो भी तथा वो समझता है कि हमको क्या कहा जा रहा है। एक इंसान एक जानवर को अपनी आवाज़ में बुलाता है वो आ जाता है, यहाँ तक कि ये मछलियाँ आपकी आवाज़ को समझती हैं, ये कुत्ते ये बिल्लियाँ और ये सारे जानवर आपकी आवाज़ को समझते हैं और बुलाने पर आ जाते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा है जानवर से भी बढ़कर, जानवर तो सुन लेता है और ये उस पर उससे भी देखिल, ये ऐसे हैं जो काफिल हैं, इनको कुछ नहीं सुझाई दे रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा इंसान जो अपनी जुबान की और दोनों जबड़ों के दरमियान की चीज़ की जमानत दे दे, दोनों जबड़ों के दरमियान की जमानत दे दे और इसे दोनों और दोनों पैरों के दरमियान की चीज की जमानत दे दे, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। मैं जन्ना अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो इंसान दोनों जबड़ों के दरमियान जुबान की जमानत दे दे, यानी इसे गलत बात ना निकाले, और दोनों पैरों के दरमियान जो शर्मगाह है उसको दुनिया में रुस्वा और बेइज्जत होने से बचा ले, जन्नत ले लिया, जन्नत की जमानत दी है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। मेरे भाइयों इसलिए अपने आशा को सही तौर पर इस्तेमाल करो और जिस जगह अल्लाह ने आपको आबाद किया है अल्लाह की कसम अगर इस जगह से इस जगह आप अपने जिस्म के हिस्सों पर गौर करके अगर आपने अल्लाह को याद कर लिया तो अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत वाजिब कर देगा। इसलिए कि यहाँ न हंगामा है, यहाँ न बहुत से उलमा हैं और ना तो यहाँ कुरान व हदीस की रोशनी में बहुत ज़्यादा आपको परेशान भी किया जा रहा है कि रात दिन आप पर छमेला है, नहीं, ऐसी जगह आप आबाद हो कि अपने जिस्म के अंदर ही जो चीज़ें हैं उनकी हिफाजत कर ले जाओ, इंशाल्लाह जन्नत की ज़मानत रसूल ने दे दी। इसलिए कि जन्नत की ज़मानत कई तरह से दी जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मक्का मदीना में बैठ करके जन्नत को हासिल करो, नहीं, हमाला के दामन में भी आपको जन्नत मिल सकती है और नेपाल के किसी भी गोशे में और कोने में पहाड़ के कोह में बैठ करके आप जन्नत ले सकते हैं। आप कछुआ तो ऐसे मकाम पर है कि जहाँ आना जाना लगा रहता है, आमदोरफ्त है, लेकिन और अंदर लोग रहने वाले पहाड़ों पर वहाँ किसी मौलवी का भी उतर नहीं होता है। वहाँ भी अगर अल्लाह को कोई याद करके अपने जिस्म के हिस्सों पर ध्यान दे करके वैसे ही करे जैसे करने का हुक्म है तो इंशाल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमानत देती है। और फिर कुछ मामला करते हो क्या तुम अपने आप को देखते और इसी को देख करके इबरत नहीं हासिल करते? अगर अल्लाह ताला हमें आपको ये चीज़ें दे चुका है तो हम और आप इससे इबरत हासिल करें और माल और दौलत और सदका और खैरात और हज और ज़कात और रोज़ा बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन वो दूसरे किसी मौके पर, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जिस्म के अंदर जो आज़ा है उसकी हिफाजत ना हो और किसी को तकलीफ ना दे। एक अरबी मुफक्किर कहता है कि जरा हाथ उससे नहाने लहर त्याम, जरा हाथ उससे नहाने लहर त्याम,
वला यलता मुमाजर अल्लसान की तलवार का घाव भर सकता है, भाला बच्चा का घाव भर सकता है, मगर जुबान से किसी को तकलीफ अगर दे दो तो वो घाव जल्दी नहीं भरता है। इसलिए अपनी जुबान की हिफाजत करके किसी को तकलीफ ना देकर और भाईचारा के साथ दुनिया में रहकर और गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो जाइए, ताकि लोग आपको बेहतर इंसान कहें, शरीफ इंसान कहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी जुबान की हिफाजत फरमाए। हम जुबान से बोलें तो अल्लाह के लिए बोलें, कान से सुने तो अल्लाह के लिए सुने, और दिल से जो समझें बूझें अल्लाह के लिए, आँख से देखें अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दें, और हमें जो दुनिया से जा चुके अल्लाह उनको बख्श दे, और इसी तरह से अल्लाह ताला हमें इस्लाम और ईमान पर कायम रहने की तौफीक दे, और जिस तरह से तूने तमाम बीमारियों का खात्मा करके इस वक्त कुछ सुकून इत्मीनान है, अल्लाह इस सुकून इत्मीनान को तू बाकी रख। जो हमारे भाई हमें बीमार हैं अल्लाह उनको बीमारी से फुर्सत दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमारे भाई कर्जदार हैं उनके कर्ज को तू अदा करवा दे। अल्लाह हमारे जो भाई नमाज और पंजगाना नमाज से इबादत से दूर हैं, मस्जिदों में हाजिरी देने से कासिर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्हें तौफीक दे दे कि वो मस्जिदों में आया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपने बाल बच्चों और बीवियों के हुकूक नहीं अदा करते अल्लाह सबके हुकूक अदा करने की तौफीक बख्श। अल्लाह जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, इंसानियत कुछ नहीं समझते, अल्लाह उनको सच्चा पक्का इंसान बनाकर उनके अंदर इंसानियत पैदा कर दे। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم من بر الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على وجل واتموا وهموا واكبروا